दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मॉर्निंग का जो समय हो रहा है दोस्तों, वो जो टाइम हो रहा है 8:20 हो रहा है दोस्तों, 8:20 या 23 हो रहा है दोस्तों। और अभी सुबह मैं ऑफिस आया हूँ और ऑफिस आने के बाद दोस्तों मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था और उस दौरान मुझे एक ऐसी न्यूज दिखी जिसके बारे में आज आपको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूज है इससे आपकी जिंदगी में कहीं कहीं एक बहुत बड़ा धोखा फ्रॉड होने से आप बच सकते हैं। आइए इस न्यूज के बारे में पूरा जानते हैं। पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूं कि क्या न्यूज है, क्या हेडलाइंस है, और इसके बाद इस न्यूज को मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूं और उसके पीछे का कारण भी आपको बताता हूं कि कैसे आपके साथ में धोखा फ्रॉड स्कैम होता है और किस प्रकार से आप बच सकते हैं। और इस न्यूज में, इस जो समाचार, इस जो आर्टिकल्स है, जो पेपर के अंदर जो लिखा है, ये पूरा मामला क्या है, उस मामले के ऊपर भी आपसे, आपके साथ में पूरा डिस्कशन करूंगा। तो आइए दोस्तों न्यूज पढ़ते हैं। न्यूज में पहली जो हेडलाइंस लिखा है, हेडलाइंस लिखा हुआ है, और ये देखिए दोस्तों जो न्यूज है ये दैनिक जागरण, एक न्यूज पेपर आता है दैनिक जागरण, उसके अंतर्गत ये न्यूज पेपर छपी है, वाराणसी लिखा है, साथ में 24 जून 2023। आज दोस्तों जो है 24 जून का ये न्यूज़पेपर है और सन 2023 पेज नंबर 8 पे लिखा है। आप भी चाहो तो इस आर्टिकल्स को आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण में पेज नंबर 8 पे 24 जून 2023 के दिन में हेडलाइन में लिखा है, किराए की दुल्हन बाराती गिरोह पर कसेगी शिकंजा। किराए की दुल्हन, अब आइए पूरा मामला समझते हैं। वाराणसी के एक पखवाड़े में दो मामले सामने आने पर गिरोह की जड़े तलाश रही पुलिस की टीम। वाराणसी में एक पखवाड़े में दो मामले, एक पखवाड़ा मतलब हो गया, मतलब एक महीने के अंदर में या 15 दिन के अंदर में दो बार दो मामले आए हैं। इसमें लिखा है कि राजकुमार निवासी हसी कुतुबपुर गांव निवासी हिसार हरियाणा की 16 जून को खुशबू निवासी पांडेपुर से शादी हुई थी। मतलब एक हरियाणा की कोई लड़की हिसार जिले में, उनकी शादी खुशबू से हुई थी, कभी पांडेपुर गांव में शादी हुई थी 16 जून को। और ये अभी मामला, हाँ जून ही चल रहा दोस्तों, ये अभी 16 जून को, मतलब अभी आप कह सकते हैं कि हफ्ते, एक हफ्ता भी 10 दिन भी नहीं हुआ इस शादी को। दुल्हन पक्ष ने शादी को 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए, जो दुल्हन पक्ष के लोग है उन्होंने दुल्हा से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। विदाई के वक्त दुल्हन उनके कथित रिश्तेदार बाथरूम के बहाने खिसक गई। मतलब जब विदाई होनी थी उस वक्त जो दुल्हन थी अपने रिश्तेदारों के साथ में बाथरूम के बहाने वहां से चली गई, खिसक गई। मामला चौबेपुर थाने पहुंचा तो पुलिस गुनाहगारों को बेनकाब कर पाई। मामला ये जो है, लड़के पक्ष वालों ने जब पुलिस स्टेशन गए, पुलिस कंप्लेन किए, तो यह पूरा मामला जो है बेनकाब हो पाया। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। केस दो, राजस्थान के जयपुर निवासी महेश कुमार से शादी के नाम पर सुरेश ने 1.5 लाख रुपए ऐंठे थे। दोस्तों ये जो लड़का है, ये जो लड़के पक्ष वाले हैं, ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और महेश कुमार इनका नाम है। जो लड़की खुशबू थी दोस्तों, जो लड़की पक्ष वाले थे वो हरियाणा के रहने वाले थे, हरियाणा में हिसार जिले के रहने वाले थे, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए लिया और लड़की का नाम था खुशबू, जो विदाई के समय भाग गई। आइए पूरा मामला समझते हैं। राजस्थान के जयपुर निवासी रमेश कुमार ने शादी के नाम पर सुरेश से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए, उसकी पूजा नाम से युवती से कोर्ट मैरिज करा दी। दोस्तों ये दूसरा जो केस है, पहला वाला केस तो हरियाणा का था, दूसरा वाला जो केस है, इस पहले वाले केस में लड़की का नाम खुशबू था, ठीक है, उससे भी 1.5 लाख रुपए ऐंठे गए। दूसरे वाले केस में लड़की का नाम है पूजा, और जिसके माध्यम से सुरेश जो लड़की पक्ष वाला था, उसने लड़के पक्ष वालों से 1,60,000 रुपए ऐंठे, उसकी पूजा नाम से युवती से कोर्ट मैरिज करा देगी। जो लड़का है, जो राजस्थान का रहने वाला है महेश कुमार, इसकी पूजा नाम के लड़की से, ये केस दूसरा है दोस्तों, ठीक है, कोर्ट मैरिज करा दी गई। विदाई के वक्त दुल्हन ना सिर्फ हटा दी बल्कि महेश ने 1 लाख रुपए की और डिमांड की। अच्छा, जो विदाई के समय दुल्हन जो है उसको हटा दिया गया, उसको वहां से निकाल दिया गया, उसको भगा दिया गया,
और जो है शादी के नाम पे उससे वापस 1,00,000 रुपए की और डिमांड की गई। पहले 1,60,000 लिया था राजस्थान वाले लड़के से, पूजा नाम की जो लड़की थी। विदाई होने के बाद, शादी होने के बाद, कोर्ट मैरिज होने के बाद जब विदाई की बात आई, लड़के पक्ष वालों ने बोला होगा कि ठीक है दुल्हन को आप हम अपने घर लेके जाते हैं, तो दोस्तों उस वक्त जो दुल्हन है पूजा उसको हटा दिया गया। ये दूसरा केस आप याद रखिए, पहला केस तो हरियाणा का था और विदाई के नाम पे 1,00,000 रुपए की और डिमांड की गई। महेश ने कैंट थाने में शिकायत की तो पुलिस ने राजफाश किया कि दुल्हन बराती शादी की डेट सब नकली थी। जब महेश ने कैंट थाने में शिकायत की तो पुलिस ने जब छानबीन की तो उसमें मालूम पड़ा कि जो बराती थे और शादी की जो डेट थी कोर्ट मैरिज में वो सब नकली थी, फ्रॉड था। कैंट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की, कैंट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। शादी के नाम पर दो युवकों से फ्रॉड किए जाने की घटनाएं जून में एक पखवाड़े में हुई। चौबेपुर और कैंट पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या बात चौंकाने वाली सामने आई? पुलिस ने पता चला कि गिरोह कई युवतियों के नाम पर ठग चुका है। पता चला कि गिरोह कई युवकों को, मतलब कई मर्दों को, कई आदमियों को शादी के नाम पर ठग चुका है। पीड़ित ने पुलिस की मदद नहीं ली तो हम एक के बाद एक घटनाएं करके बचते रहते हैं। ये लोगों ने कबूल किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस के कंप्लेन हमारे खिलाफ अगर पुलिस में कंप्लेन नहीं की तो हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक ठगी करते हैं और बचते रहते हैं। पुलिस ने जब इनसे पूछा तो इन्होंने ये अपना बयान दिया। दो मामले पुलिस के पास पहुंचे तो गिरफ्तारी हो पाई। दोनों की घटनाएं में किरदार अलग अलग थे। ये जो दोनों घटनाएं थी, इन दोनों में जो किरदार थे इन लोगों का, कभी कोई माता बनता था, कभी कोई पिता बनता था, कभी कोई दुल्हन थी, कभी कोई अलग नाम था, इस नाम के किरदार अलग अलग थे। स्पष्ट है कि कई गिरोह किराए की दुल्हन और बराती के जरिए राजस्थान और हरियाणा के युवकों को लूटने का प्रयास में जुटे हैं। दोस्तों पुलिस ने, यह पुलिस का बयान है, पुलिस के बयान में यह स्पष्ट हुआ है कि हरियाणा और राजस्थान और हरियाणा के कई युवकों को, कई लड़कों को, कई आदमियों को ये लोग शादी के नाम पे एक गिरोह बना के फर्जी बराती लेके, फर्जी मैरिज ब्यूरो करा के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी सब कुछ करा के कई लोगों को ठगते हैं। और क्या समझते हैं दोस्तों, क्या लिखा है देखिए, यहां पे लिखा है शादी के बहाने ठगी करने का ट्रेंड नया है। शादी के बहाने लोगों को लूटने का या ठगी करने के जो ट्रेंड एक जमाना, ये नया तरीका है। गाजीपुर के चंदौली और जौनपुर पुलिस को हमने अलर्ट किया है। गाजीपुर के चंदौली और जौनपुर जिले को हमने अलर्ट किया है। हालांकि 5 साल में ऐसा केस दर्ज नहीं हुआ है। अब मैं ये कौन बात कर, मैं बताता हूं, पब्लिक को भी चाहिए कि शिकायत करे, पुलिस मदद करेगी। और ये बात कौन कह रहा है, ये अखिलेश कुमार चौरसिया कह रहे हैं, जो डीआईजी हैं रेंज इनका जो है वाराणसी। इन्होंने कह रहे कि 5 साल में ऐसे जो केस दर्ज नहीं हुआ। मैं इसके पीछे का कारण बता रहा हूं क्योंकि जिनके साथ में धोखा फ्रॉड होता है वो लोग धोखे करने वाले व्यक्ति के साथ में कोई लिखित कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाके नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अपने डर से, अपने बदनामी से बचते, उनको लगता है कि पैसा चला गया जाने दो कोई बात नहीं और नहीं पुलिस कंप्लेन करेंगे, इसमें उनका नाम खराब होगा, उनकी रेपुटेशन खराब होगी, पुलिस वाले उनको उल्टा डांटेंगे कि आप क्यों ऐसे चक्कर में पड़ रहे हैं। तमाम प्रकार के ऐसे केस होते हैं जिनसे लोग बचते हैं और इस वजह से पुलिस स्टेशन में ऐसी कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाती। अब आइए मैं पूरा आपको मामला समझाता हूं। दोस्तों यहां पे कुछ और लिखा है, पहचान के लिए बनवाते हैं फर्जी आधार कार्ड। ये कोई बात मैं अपने तरफ से आपको नहीं बता रहा भाई साहब, ये न्यूज़पेपर के अंदर में लिखा है, पहचान के लिए बनवाते हैं फर्जी आधार कार्ड। गिरोह फर्जीवाड़ा कर रुपए मांगने संग सिस्टम को भी झांसा दे रहा है। दुल्हन बनने वाली युवतियां कई नामों से आधार कार्ड बनवा रखी हैं। जो दुल्हन बनती ना वो लड़कियां, वो युवतियां एक नाम से नहीं कई नामों से आधार कार्ड बनवा रखी है। शादी के लिए युवकों को कई युवतियों का फोटो दिया जाता है, मतलब शादी के नाम, जब शादी उनसे की बात की जाती है लड़कों से तो उनको कई लड़कियों का फोटो दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप इसमें से कोई एक पसंद करें, चयन करें, और सबका नाम अलग अलग होता है, सबका फोटो अलग अलग होता है।
आपके व्हाट्सएप पे आपको बहुत सारी फोटो भेज दी जाती है कि आप इसमें से किसी एक को पसंद कर लीजिए। चयनित होने पर दुल्हन उनके कथित माँ और पिता के आधार कार्ड दिए जाते हैं। दोस्तों जब लड़की पसंद आ जाती है तो प्रूफ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, आपको संतुष्टि दिलाने के लिए, तो लड़की के साथ में उनके माँ बाप का भी फोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है डॉक्यूमेंट जो इनके पास रहता है, फ्रॉड फर्जी जो लोग ये बनवा के रखते हैं वो भी आपके यहाँ भेजा जाता है। यह कार्ड भरोसा दिलाकर मोटी रकम ऐंठने का किया जाता है। यह काम भरोसा, आपको भरोसा दिलाया जाता है। कभी लड़की के माँ से बात कराई जाती, कभी पिता से, कभी चाची से, कभी माँ से, कभी पिता से, या उनके जान पहचान के लोगों से आपकी बात करवाई जाती है ताकि आपको भरोसा हो कि जो लड़की है या जिस शादी के बारे में आप तैयार हो रहे हैं वो पूरा वास्तविक हो, जेन्युइन, उसमें किसी प्रकार का धोखा फ्रॉड ना, इस प्रकार से आपके साथ में पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, अभी दो दिन या तीन दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक हमारे भाई साहब हैं, यूपी के वो रहने वाले, लेकिन फिलहाल अभी वो तेलंगाना हैदराबाद में रहते हैं और वहां पे अपना काम करते हैं। उनके पिताजी कोयले में काम करते थे और दोस्तों उनके भी साथ में सेम इसी प्रकार का धोखा हो रहा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हमने समय पर उनको समझा दिया। वो उस भी केस में यही था कि जो लड़की है, कोई एक ब्रोकर, कोई एक दलाल कहता था कि जो दुल्हन है वो हम आपके घर पे लेकर आ रहे हैं, आप गाड़ी पंचर हो गई, इतना पैसा दीजिए, खाना खाने के लिए दीजिए। कभी उसकी माँ बात करती थी लड़की की, कभी उसके लड़के के पिता बात करते थे, कभी लड़की की भाभी बात करती थी, और कभी वो ट्रेन से लेकर आने के लिए बात करते थे, कभी वो कहते थे हम बस से लेकर आ रहे हैं, कभी कहते थे क्या, मतलब लड़की जो है वो बोलते थे हम तुम्हारे घर पे लेकर आएंगे, वहीं पर शादी करवाएंगे, लड़की को वहीं पर छोड़ देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर में दोस्तों आज की डेट में शादी विवाह के नाम पे 99% जो है फ्रॉड स्कैम हो रहा है। जहां भी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां भी आपको कोई एडवर्टाइज, कोई प्रचार दिखाया जा रहा है, कोई विज्ञापन दिखाया जा रहा है, कहीं पे कोई पोस्ट डाला हुआ है, या कहीं पे कोई वीडियो बना के आपसे कह रहा है कि ये महिला है, खूबसूरत है, सुंदर है, घर जमाई, रिश्ता चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, भाई साहब 99% आपके साथ में इस प्रकार का धोखा, फ्रॉड, स्कैम हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आप वास्तव में शादी विवाह करना चाहते हैं किसी मैरिज ब्यूरो के माध्यम से, तो दोस्तों आपके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप उनकी जो ब्रांच, उनकी जो ऑफिस, जो कई सालों से चल रही है, 10 साल 15 साल 8 साल 6 साल से जो चल रही है, 2-4 सालों से चल रही है, जो आपके मार्केट में, जो आपके एरिया में है, आप उनसे जाके संपर्क कर लीजिए, उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। दूसरा किसी भी प्रकार के, किसी भी कहने के चक्कर में मत आइए। आप ऑनलाइन कोई वीडियो देखते हैं, कोई आपको फोन करता है, या कोई आपको व्हाट्सएप पे जानकारी देता है, या आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड मैरिज ब्यूरो वाले जो बड़ी बड़ी खूबसूरत प्रोफाइलें या महिलाओं के, लेडीजों की आपके बताएंगे कि घर जमाई, रिश्ता मिलेगा, मैडम पढ़ी लिखी, नौकरी वाली, पढ़ाई लिखाई ये है, और जब आप उनके नंबर पर फोन करते हैं तो दोस्तों वो अगले 2 घंटे में क्या करते हैं कि आपके 10 मिनट में आप जैसे फोन करेंगे वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि हमारे यहाँ 8,000-10,000 रजिस्ट्रेशन का फीस होता है, उसके बाद हम आपके यहाँ फोटो भेजेंगे, और अगले 10 मिनट में जैसे आप उनके यहाँ फोन करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे कम से कम 8-10 फोटो ऐसी लड़कियों, ऐसी महिलाओं का भेज दिया जाता है जो देखने में वास्तव में बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल होती, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती। वो फोटो कहीं से लेते हैं, अब गूगल पे भी आप लड़कियों का फोटो डालेंगे तो गूगल पे हजारों नहीं करोड़ों फोटो आ जाएंगे दोस्तों, वहीं से फोटो ये लोग डाउनलोड करते हैं। बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं या बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जहां पे लड़कियों या महिलाओं का फोटो पड़ा रहता है, वो वहां से फोटो डाउनलोड करेंगे और आपके व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप इतनी खूबसूरत फोटो देख के आप मुग्ध हो जाएंगे, आपका ब्रेन, आपका जो दिमाग है काम करना बंद कर देगा। उसमें से 4 फोटो या 10 फोटो में से कोई एक फोटो आप बोलेंगे कि ये मैडम मुझे पसंद है, मुझे इनके साथ में शादी करा दो, और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि मेरी बात करवाइए मैडम से, तो वो लोग दोस्तों बोलेंगे ठीक है कुछ समय दीजिए, कुछ समय बाद वो किसी को फोन लगा के, कॉन्फ्रेंस पे फोन लगा के आपकी बात करवा देंगे, और मैडम भी आपको मस्त बढ़िया बात करेंगी, कहा भैया मैं शादी विवाह करना चाहता हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं धंधे वाली हूं, मेरा ये बिजनेस है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत, बस आपको घर जमाई रहना, न जाने क्या क्या वो बातें आपसे करेंगी, और आपको लगेगा बस करो भैया जिसकी तलाश थी वो जीवन साथी मुझे तो यहीं मिल रहा है। और इसके चक्कर में दोस्तों आप उनके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 2,000-5,000-10,000 जो भी उनका रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप एक बार पे कर देते हैं, भेज देते हैं, उसके बाद फिर आप उनसे कहते हैं कि सर आप मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि मुझे, मैं उनसे पर्सनली बात कर सकूं। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपसे 10,000-15,000-20,000 की डिमांड की जाती है, भैया 4,000 दो 5,000 दो 2,000 दो या 15,000-20,000 दो, तो हम आपको उनका बायोडाटा भेज देते हैं। और दोस्तों जब फिर आप उनसे पेमेंट दे देते हैं, पैसा उनको दे देते हैं, तो अगले 2-3 दिन वो आपसे बातचीत करेंगी, अचानक वो कोई एक बहाना बनाएंगी,
कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरी माँ मर गई, मेरा फूफा खराब है, मेरे हॉस्पिटल में भर्ती मौसी का ये वो खराब है, या मैं यूपी जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, मुझे थोड़ा पैसे का काम है, कोई आपसे कोई ना कोई इमरजेंसी केस या कोई ना कोई बहाना बना के आपसे 10-15-20-30-40 हजार रुपए पैसे की डिमांड किया जाएगा। दोस्तों अगर आप पैसे देते हैं तो इस प्रकार से आपके साथ में वो स्कैम करते रहेंगे, आपको किसी न किसी माध्यम से वो पैसा लेते रहेंगे, या कभी बोलेंगे कि उनकी शादी हो गई, वो भाग गई, वो मर गई है, सर आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, हम आप दूसरा फोटो पसंद कर लीजिए, या कभी आपको पैसे का नौकरी देने का लालच दिलाया जाएगा, या फिर कभी आपको कहा जाएगा कि घर जमाई रिश्ता हम आपको देते हैं, या कभी आपको कहा जाएगा कि मैडम बहुत पढ़ी लिखी उनका महीने का 10 लाख रुपए का धंधा बिजनेस होता है, सर अगर आप उनसे शादी करते हैं कुछ दिन के लिए तो अगर वो मैडम 10 लाख रुपए, मैं आपको मैडम से आपको 10 लाख रुपए भी दिला दूंगा, उसमें से आप 50 हजार मुझे दे देना, बाकी का 9.5 लाख रुपए आप ले लेना, उसके बाद आपको घर जमाई रिश्ता अगर चाहिए तो आप उनके घर पे जाके रहना, नहीं तो पैसा लेकर आप साइड हो जाना, मुझे भी थोड़ा दे देना, मैडम बहुत पढ़ी लिखी है। और अनेकों प्रकार के दोस्तों आपके साथ में धोखा फ्रॉड किया जाता है, क्या क्या माध्यम से आपके साथ में धोखा फ्रॉड किया जाएगा आपको भी नहीं मालूम। कभी कहेंगे कि मैं दुल्हन जो लड़की है वो आपके घर पे लेकर आता हूं, आप बताइए मुझे, आपको अगर अपनी बहन बेटी का शादी करना है तो आप अपनी बहन बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में ले जाकर उसके घर पे दिखाएंगे? कभी ऐसा संभव है आपके गांव में, आपके देहात में, आपकी जान पहचान में कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की या किसी कोई गार्जियन अपनी बेटी को आपके घर पे लिया के छोड़ के गया शादी करने के लिए? भाई साहब ये सब सपने मत देखिए, हकीकत ये सब के ऊपर मत जाइए। आज के डेट में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर मेरी बात को आप सीरियसली नहीं ले रहे, अगर समझ नहीं रहे हैं, तो 99% आपके साथ में धोखा फ्रॉड होगा। कब फिर उसके बाद आप कितनी बड़ी समस्या में मतलब फंस सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं। इस केस में जो न्यूज़पेपर में लिखा, सोचिए अगर ये लड़की उस लड़के के घर पे चली जाती, अगर 2-4 दिन रहती भी, तो दोस्तों उस लड़के के घर के अंदर में जितने भी कागजात थे वो भी ले लेती, लेके भाग जाती। जो भी घर के अंदर में अगर कोई पैसा कुछ रखा है या सोना चांदी कुछ गहना रखा है, तो दोस्तों ये पूरा खानदान का ही साफ कर देती, पूरा खानदान का ही बटोर के लेके भाग जाती। और बहुत केस में ऐसे हुआ है कि दुल्हन आई, 2-4 दिन आई और 2-4 लाख रुपए का सोना चांदी सब गाड़ी घोड़ा सब लेके भाग गई, और इस स्थिति में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़की आपके यहाँ पे आके रही है, और जहां मामला लेडीज केस का आता है तो वहां पे और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इनसे आप बच के रहिए भाई, इनसे आप बच के रहिए। अगर आपको शादी विवाह करना है तो आप हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, या हमारा जो VIP प्लान है उसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और आप अपने लिए जीवन साथी जो तलाश है वो हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे शादी के नाम पे ना ही आपके साथ में फोटो भेजा जाता है, ना ही आपके साथ में फोन पे बात कराई जाती है। हाँ, जो रिश्ता रहेगा वो रिश्ता हम डायरेक्ट आप तक भेजेंगे। आपको अगर समझ में आता है तो रिश्ते पे बात कीजिए, फोन पे बात कीजिए, आपको रिश्ता पसंद है तो बात आगे बढ़ाइए, शादी विवाह करके खुश रहिए। एक बार जो आप रजिस्ट्रेशन फीस हमारी पे करते हैं, चाहे वो 500 हो, चाहे 2000, 1 रुपया हो, इसके अलावा कभी भी कोई भी आपसे फीस, जिंदगी में कभी भी आपसे किसी भी प्रकार का फीस का डिमांड नहीं किया जाता। सिर्फ एक ही बार आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो मेरा फीस है रिश्ता खोजने का, वही सब लेता हूं। उसके अलावा कभी भी आपकी कोई भी फीस हमारे यहाँ पे नहीं काउंट की जाती, ना ही मांगी जाती। एक बात और आपसे, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये कहना था कि दोस्तों जहां आप अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए 8 से 10 रिश्ते देखते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता कि रिश्ता फिक्स होगा। 8-10 रिश्ता देखने के समय में आपका पैसा भी आपका बर्बाद होता है, आपका समय भी बर्बाद होता है, और कोई गारंटी नहीं रहती कि 5-6 रिश्ते देखने के बाद आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा, आपकी बहन बेटी का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, समय लगता है, कभी कभी 2-3 साल लग जाता है, कभी कभी 10-20 हजार, 50 हजार, 1-1.5 लाख रुपए तक भी बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी गारंटी नहीं रहती कि मन मुताबिक रिश्ता बहन या बेटी के लिए मिल ही जाएगा। तो दोस्तों जहां आप अपनी बहन बेटी के लिए रिश्ता इतना समय से कोशिश करते हैं और नहीं मिलता, तो वहां आप कैसे इन बेवकूफ मैरिज ब्यूरो वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो आपकी शादी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, लड़की भी पैदा हो गई, राजी भी हो गई, रिश्ता भी जम गया और आपसे बात भी हो गई। कैसे कैसे ये संभव हो सकता है? जहां साला 2 साल लग जाता है अपनी बहन के लिए रिश्ता खोजने में, बहन बेटे के लिए रिश्ता खोजने में, वहीं आप अपनी शादी के लिए कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि 2 घंटे में कोई कर सकता है? अब मैं इसके पीछे बता रहा हूं कारण। आप मैरिज ब्यूरो वाले किसी के पास फोन किए, अब वो आप लंगड़े हैं, बहरे हैं, काने हैं, दिखाई नहीं देता, काले हैं आप, पीले हैं, कम हाइट है, ज्यादा हाइट है, बेरोजगार है आप, मतलब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपका घर यूपी में है या कहीं MP में, कहीं के भी आप हैं, मतलब आप किसी भी प्रकार के हैं, और आपके लिए यार हर 2 घंटे में, हर आधे घंटे में आपके लिए रिश्ता तैयार हो जाएगा, ये संभव वाली बात है क्या?
जहां आप 10-12 पढ़ी लिखी बहन बेटे के लिए साला साल 2 साल निकल जाता समय जहां रिश्ता खोजने में, वहीं पे आपके ये मैरिज ब्यूरो वाले भाई साहब कौन सा ऐसा टेक्निक, कौन सा ऐसा जादू, कौन से ऐसी इनके पास जादू की छड़ी है, ये कौन सी इनके पास ऐसा कला है कि जिसको हिलाने के बाद, जादू की छड़ी हिलाने के बाद तुरंत आपके लिए लड़की ये पैदा कर देते हैं, आपको पास फोटो भेज देते हैं, आपसे फोन पे बात करवा देते हैं, आपके शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई साहब समझिए, बेवकूफ मत बनिए, समझदार इंसान बनिए। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाना चाहते हैं, किसी धोखे फ्रॉड स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, तो ये बात आज आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार कौन सा वो ऐसा तरीका, कौन सा ऐसी वो टेक्निक है कि जो ये आपका 2-4 दिन में भाई साहब पूरा मामला ही सेट कर देंगे। कहीं ना कहीं झोल है, फ्रॉड है, फेक है, आपका जो फोन है वो रॉन्ग नंबर पे जा रहा है, राइट नंबर पे नहीं जा रहा है, रॉन्ग नंबर पे जा रहा है, इसके लिए तो आपके साथ में इस प्रकार का धोखा फ्रॉड हो रहा है। अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, हमारे यहाँ पर रिश्ता कैसे होता है, तो दोस्तों हमारा एक YouTube पे चैनल है जिसपे हो सकता है इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, या YouTube पे सर्च करके मंगा लीजिए रिश्तों की दुनिया। कौन सी दुनिया, कौन सा चैनल? रिश्तों की दुनिया हमारा YouTube चैनल है। कृपया उस YouTube चैनल को आप मंगाइए और वहां पे बहुत सारी हमारी वीडियो है, उन वीडियो को देखिए, उनमें अंतर्गत जो जानकारी दी गई उस जानकारी को समझिए। हमारे यहाँ पे काम करने का जो तरीका होता है, शादी विवाह प्रोफाइल मैच करने का, रिश्ता लगाने का जो काम धाम करने का तरीका होता है, कृपया उन सारी वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिए, और जब आपको भरोसा विश्वास हो तो आप फोन लगाइए। हमारे यहाँ पे दोस्तों हमारे ऑफिस का 2 मोबाइल नंबर है, एक है लास्ट में 4012 और एक है लास्ट में 360। मैं दोनों स्क्रीन पे दे देता हूँ, एक बार मुंह से भी बोल देता हूँ, 9137814012 और दूसरा है 8090012360। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे फोन करके जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन जब आप पेमेंट भेजेंगे, जो हमारा फीस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मोबाइल नंबर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लास्ट टाइम जो 4012 है, 9137814012, 4012 वाले नंबर पे आप फोन पे, गूगल पर, पेटीएम, जिस प्रकार से आज के डेट में मोबाइल में रिचार्ज आप करवाते दुकान पे जाके, सेम उसी प्रकार से आप किसी से कह के इसी मोबाइल नंबर पे जो हमारी फीस है फोन पे, गूगल पर, पेटीएम, वो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, भेज सकते हैं। और जब आप पेमेंट भेजते हैं तो दोस्तों उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, एक उसका प्रूफ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आदमी पैसा भेज रहा है या आप भेज रहे हैं, तो आप खुद मुझे एक उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेजिए। और साथ में फोन करके दो और भी आपको काम करना है। पहला काम तो ये कि आपको बताना है कि भैया इस तारीख को और इतने बजे मुझे, डेट और टाइम आपको दोनों चीज एक्सप्लेन करना, बताना है भैया 10 तारीख को दोपहर के 1:35 पे हमने आपके अकाउंट में 2100 रुपया पेमेंट किया है, भेज दिया है, कृपया आप हमारे लिए रिश्ता खोजिए। और दोस्तों जैसे ही आपकी प्रोफाइल हमारे पास आ जाती है, जैसे आपका पेमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो दोस्तों हम आपके लिए रिश्ता खोजना स्टार्ट कर देते हैं। और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर में जो भी प्रोफाइल आपसे मिलती है, जो भी प्रोफाइल आपके लिए हमें लगता है कि बढ़िया है हमारे पास, वो प्रोफाइल हम आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यही है हमारे काम धाम करने का तरीका। फिर इसके लिए आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बंगाल, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मुंबई, हैदराबाद, आप भारत के किसी भी राज्य में हैं, वहां से आप घर बैठे बैठे ही आप हमारे हमसे आप अपने लिए काम करवा सकते हैं, रिश्ता खुजवा सकते हैं। और यकीन रखिए कि दोस्तों एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एक बार पेमेंट भेजने के बाद, ऐसा नहीं कि हम आपके पास एक प्रोफाइल भेजेंगे, नहीं भैया, हम आपको 10 प्रोफाइल दे सकते हैं, 10 हम आपको रिश्ता दे सकते हैं, उसमें से जो रिश्ता पसंद आए उस पर शादी विवाह कीजिए, बातचीत कीजिए और अपनी जिंदगी में आप खुश रहे। एक बार पेमेंट देने के अलावा जिंदगी में आपको कभी भी कोई 1 रुपया या दूसरा 1 पेमेंट आपको देने की जरूरत नहीं। हमारा फीस जो सिर्फ है वो सिर्फ एक बार ही, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा कि हमारे 4012 वाले नंबर के अलावा, लास्ट में 4012 नंबर के अलावा, यदि आपने किसी और नंबर पे पेमेंट किया, किसी और नंबर पे बात किया, किसी और नंबर पे यदि आपका संपर्क हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपके साथ में धोखा फ्रॉड स्कैम होता है, तो इसकी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एक ही चैनल है और एक ही मोबाइल नंबर है जिसपे पेमेंट आता है, और उसके अलावा कोई दूसरा संस्था नहीं, कोई दूसरा हमारा ब्रांच नहीं कहीं पे है। तो इस चीज से आप हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि आज के डेट में दोस्तों हमारे नाम से भी आपके साथ में धोखा या फ्रॉड किया जाता है, तो इस प्रकार की समस्या से आप हमेशा बचिए रहिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी हर एक वीडियो की जो जानकारी, जो सूचना है, जो नोटिफिकेशन है, हमारी हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले, जब भी हम यूट्यूब पे डालें,
तो दोस्तों ये संभव तभी है जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगे टाइम टू टाइम। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो बगल में घंटी वाला बटन होता ना इसको ऑल पे सेट करके रख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अपनी बहन बेटी या रिश्तेदार या जान पहचान की किसी का शादी विवाह करना चाहते हैं, जो काफी समय से रिश्ता देख रहे हैं, उनको अगर रिश्ता नहीं पसंद आया है तो दोस्तों आप उनको बता सकते हैं कि यूट्यूब पे कोई एक ऐसा यूट्यूबर है जो रिश्ता लगाते हैं या उनका एक चैनल का नाम है, उनको आप सारी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा कि आप समाज के लिए भी एक भले का काम कर सकते हैं, आप उनकी जिंदगी में एक खुशियां दे सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आपसे कहना था, लास्ट बात वो ये है, यदि आपकी बहन बेटी है अगर आप उनके लिए रिश्ता देखना चाहते हैं तो आप पैसा वक्त समय बर्बाद करने से अच्छा आपका यह है कि दोस्तों आप अपनी बहन बेटी के लिए हमारे यहाँ फोन करके उनकी जानकारी दे दीजिए और दोस्तों अपने लिए आप फ्री में रिश्ता देख सकते हैं अपनी बहन बेटी के लिए। दोस्तों लड़की हो या महिला हो या फीमेल के लिए चाहे वो तलाकशुदा हो, शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, महिलाओं के लिए विशेष तौर पे हमारे यहाँ पे यह सुविधा इस वक्त चल रहा है, प्लान चल रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक रुपए लिए आपको हम कम से कम 10, 20, 30 रिश्ते दे सकते हैं। फिर आप भारत के किसी भी स्टेट है, किसी भी जात के हैं, किसी भी समुदाय के, ज्यादा पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं, ये पूरे भारत के सभी लोगों के लिए खासकर सुविधा इस वक्त चल रही है कि जो भी बहन बेटी अपना शादी विवाह करना चाहती है वो तो कृपया हमें फोन करके सिर्फ अपनी जानकारी बता दें, नाम पता, उम्र, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा, क्या करती क्या नहीं करती है ये बता के वो अपने घर पे बैठे और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर में जो भी प्रोफाइल आपके हिसाब से मिलता रहेगा मैं आपको बिना पैसे लिए आप तक मैं भेजता रहूंगा, जो रिश्ता पसंद आएगा आप उस पर शादी विवाह करके आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।